विधायकों से मुलाकात के बाद अब नीतीश कुमार जो जदयू के सांसद हैं उनसे एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं, और ऐसे में ये जो मुलाकात है इस मुलाकात के काफ़ी अहम मायने हैं। विधायकों से तो उन्होंने फीडबैक ले लिया कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ समस्या है, साथ ही साथ राजनीतिक बातचीत भी हुई है कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया जा सके ताकि भाजपा को पटखनी दी जाए। और अब जो सांसद हैं उनसे मुलाकात होगी। विधायकों के साथ जो मुलाकात हुई थी वो खबरें हमने आपको दिखाई थी, जिसमें जो विधायक हैं वो ये कह रहे थे कि हमसे फीडबैक लिया गया, और अब जो सांसद हैं उनका भी यही कहना है कि जो हम जो हैं अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, और हमें बुलाया गया है। आज लगभग 4 सांसद जो हैं वो जदयू के, उनसे जो मुलाकात है वो होगी, चाहे वो सुनील कुमार हो जो चंपारण से सांसद हैं, या दुलाल चंद गोस्वामी हो, अनिल हेगड़े जिनको अभी फिलहाल हाल में ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद बनाया, ये तमाम सांसद हैं जिससे नीतीश कुमार जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सांसद हैं उनका क्या कुछ कहना है मुलाकात करने से पहले, ये हम आपको सुनाते हैं। मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आने वाला समय में पार्लियामेंट का चुनाव है, तो उनका मार्गदर्शन से हम लोग और मजबूती के साथ दुना ताकत के साथ चुनाव का तैयारी करेंगे। और इस बार हम लोग का तो 16 सीट है ही, बाकी 40 सीट को चुनाव जीतेंगे। क्या पहले भी चुनाव हो सकते हैं क्या समय से, ये हम कैसे कह सकते हैं, तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन चुनाव की तैयारी हम लोग का है, और जिस सीट से हम एमपी हैं कटिहार लोकसभा से वो सीट हम लोग जीत के रहेंगे। पर मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं तैयार रहने के लिए, बोल रहे हैं कि तैयार हो जाइए। राजनीति में तो लोग हर समय तैयार रहते हैं, हम लोग तैयार है, फिट है, देख लीजिए। क्या फीडबैक लेके जा रहे हैं सर? फीडबैक हम लोग का एक एक सीट अच्छा है, और जो सीटिंग सीट हम लोग का है सब मजबूत है, और खास करके हम कटिहार का एमपी है, कटिहार हमारा बहुत मजबूत पार्टी से, तो मिलने जाने में क्या दिक्कत है? हम लोग मिलने जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा चीज़ थोड़े है, लेकिन इस मुलाकात के लिए बताया जा रहा है। अब जा रहे हैं मिलने के लिए, देखें क्या बात होती है, संगठन पर बात होगा। आप लोग भी अपनी कोई समस्या बताएंगे क्या? और हम लोग का क्षेत्र का जो समस्या है वो भी बताएंगे। सीधे तौर पर तमाम सांसद जो हैं वो अब धीरे धीरे एक एक कर मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, और लगभग 2 से 3 दिनों तक ये मुलाकात होगी, जिसमें कुछ सांसद जिनको खुद नीतीश कुमार ने फ़ोन कर बुलाया है, ये तमाम सांसद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। जो मुलाकात है वो शुरुआत हो चुकी है, ये तस्वीर है पटना के सीएम हाउस की, जहाँ एक अण्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास की, जहाँ खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, और मुलाकात में क्षेत्र से संबंधित बातचीत तो होगी ही, साथ ही साथ जो सियासी बातचीत है वो भी ज़रूर होगी, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में किस तरीके से 40 सीट जीती जाए। अभी फ़िलहाल जो है जदयू के खाते में 16 सीट है, ये कटिहार के एमपी का कहना है, और आने वाले समय में 40 सीट किस तरीके से जीती जाए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन है वो नीतीश कुमार ने तोड़ दिया है, तो ऐसे में सारा दारोमदार जो है वो नीतीश कुमार पर है। हालांकि अभी विपक्षी एकजुटता हुई नहीं है, तो ऐसे में नीतीश कुमार 400 सीट पर जीत की जो दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं, और 400 सीट पर नीतीश कुमार जो हैं वो तैयारियाँ कर रहे हैं। और जो सांसद जो अभी फ़िलहाल जदयू कोटे से सांसद हैं उनसे मुलाकात होगी, और वो सीट कैसे बरकरार रहे नीतीश कुमार की, कि आखिर जो सीट है जो अभी फ़िलहाल जिस सीट पर नीतीश कुमार के सांसद बने हैं वो सीट हाथ से ना निकल जाए, इन पर भी चर्चाएं होंगी कि जो सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में काम करें, ताकि जो जनता है वो उनसे नाराज़ ना हो, निराश ना हो, और आने वाले समय में उनको एक बार फिर से भारी बहुमत से विजयी बनाए। तो नीतीश कुमार ज़रूर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी देंगे जो अपने सांसद हैं उनको, साथ ही साथ जनता की किस तरीके से बेहतर सेवा करनी है ये भी नीतीश कुमार अपने सांसद को ज़रूर बताएंगे। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार जो हैं कहीं ना कहीं जनता की सेवा के साथ साथ जो चुनावी बिगुल है उन्होंने भी फूंक दिया है। भले ही अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बड़ी बड़ी जनसभा कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने गुपचुप तरीके से अपने आवास से ही जो चुनावी बिगुल है वो फूंक दिया है, और तमाम विधायक और सांसद से मुलाकात कर ज़रूर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जीत कैसे हासिल करनी है। विशाल भारद्वाज, HD News पटना।